हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एचएम म्यूजिक एंड दिस इज हनी महाजन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हनी महाजन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, तो आई विश आपको पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे एक दो मैसेज आए, मुझे कमेंट्स आए मेरे फेसबुक पेज पे कि भैया इस पे आप बनाओ एक वीडियो इस टॉपिक पे, तो आज मैं उस पे कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़े आराम से मिल जाए। चलिए तो वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने अपने जो अंदर आपकी क्वालिटी दी हुई है परमात्मा ने आपको, उसको कैसे डेवलप करना है। जो बिगनर होता है सिंगिंग लाइन में, म्यूज़िक लाइन में, उसके लिए यही सबसे डिफ़िकल्टी की बात होती है। जब मैं बिगनिंग लाइन में था, मेरे स्टार्टिंग के दौर थे, तो मुझे भी यही चीज़ चूज़ करने में, अपने आप को डेवलप करने में, खुद को निखारने में बहुत टाइम लगा। तो मैंने खुद अपने आप से ही सीखा, जो भी सीखा, गुरुजनों से तो सीखा ही है जो भी सीखा, पर अपनी गलतियों को खुद ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं और मुझे किस तरह से फिनिश करना चाहिए। मैं आपको अपनी लाइफ की एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था, तो मेरा रुझान शुरू से ही बॉलीवुड सिंगिंग की ओर है और क्लासिकल सिंगिंग की ओर है। मेरे दो रुझान रहे हैं, बॉलीवुड सिंगिंग और क्लासिकल सिंगिंग। बट क्लासिकल सिंगिंग में ये था कि मुझे क्लासिकल सिंगिंग इसलिए सीखनी है कि मैं बॉलीवुड सिंगिंग को डेवलप कर सकूँ, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग म्यूज़िक का बेस है, म्यूज़िक की जड़ है। जब एक हम मकान खड़ा करते हैं, तो उसकी जो नींव होती है वो भरनी पड़ती है पहले, तो वो जो नींव है वही क्लासिकल सिंगिंग है। जब तक हमें क्लासिकल सिंगिंग नहीं आएगी, हम उसकी बारीकियां नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे लिए किसी और सिंगिंग को, किसी और स्टाइल ऑफ सिंगिंग को ग्रैब करने में, उसमें इम्प्रोवाइजेशन करने में दिक्कत आएगी। सबसे पहली बात कि हम क्लासिकल सिंगिंग क्यों सीखें। हम क्लासिकल सिंगिंग इसलिए सीखें कि जो ताल की नॉलेज है, जो सुरों की नॉलेज है, वो हमारे दिमाग में बैठे और हम कोई भी म्यूज़िक स्टाइल आसानी से ग्रैब कर सकें। तो ये तो बात हुई कि हमें सबसे पहले क्लासिकल सिंगिंग सीखनी ही चाहिए। आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना ही पड़ेगा, क्लासिकल गुरु, जो कि आपको अच्छे से ट्रेन कर सके। अच्छा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपना जोनर कैसे सेलेक्ट करेंगे। जोनर इन द सेंस कि म्यूज़िक जो है वो एक अथाह समुंदर है। म्यूज़िक इज़ अ डिवाइन पावर, ये एक डिवाइन पावर है जिसमें से जैसे कि समुद्र में अनेक नदियों का जल मिक्स होता है, मतलब अलग अलग तरह की नदियाँ बहती हुई समुद्र में आके मिलती हैं, इसी प्रकार से म्यूज़िक के अथाह सागर में अलग अलग स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, अलग अलग स्टाइल ऑफ सिंगिंग की नदियाँ बहती हुई उस म्यूज़िक में ग्रैप होती हैं। यही चीज़ है कि म्यूज़िक एक ही है, पर उसके स्टाइल्स, उसके रास्ते अलग अलग हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही हैं, उसको पाने के, उसकी साधना करने के स्टाइल और रास्ते अलग अलग हैं। तो आई होप आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि जोनर क्या चीज़ है। जोनर है कि आपका वे ऑफ सिंगिंग, आपका वे ऑफ स्टाइल, जो आपको पसंद है, जो आप गाना पसंद करते हो, जो आप प्ले करना पसंद करते हो। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। अब हमारे पास कितने जोनर हैं म्यूज़िक में? बहुत हैं। कितने गिन सकते हो आप? बॉलीवुड, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ठुमरी गायकी, गज़ल गायकी, कव्वाली गायकी, और भी बहुत हैं। कितने गिनेंगे हम? अगर हम वेस्टर्न म्यूज़िक को ले लें तो अथाह ही हैं, मतलब गिनती ही नहीं है जोनर की। तो इसमें कन्फ्यूज़न आती है कि इंसान को कौन सा जोनर सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा जोनर उसके लिए सबसे अच्छा होगा, उसका फ्यूचर किसके ज़रिए ब्राइट होगा। इसका आंसर आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा, इसका आंसर आपको खुद पता है। अब आप पूछेंगे कैसे पता है, मैं बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा समय निकाल के शांति से बैठिए, तानपुरा ऑन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग में सोचिए कि आप म्यूज़िक लाइन में किस लिए आए हैं। आपको
क्या गाना पसंद है, किस तरह के गाने आपको पसंद हैं, आप किस तरह के गाने गाना पसंद करते हो, आप कव्वाली गाना पसंद करते हो, आप इस तरह के गाना गाने चाहते हो फोक स्टाइल के जो ऊंचे सुरों पे गाते हैं, आपको नीचे सुरों पे गाना अच्छा नहीं लगता, या फिर आपको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है बिल्कुल सुकून सूदिंग वॉइस वाला, या फिर आपको पॉप म्यूजिक पसंद है, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, मुझे कौन सा पसंद है, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है और क्लासिकल म्यूज़िक को मैं एक जड़ बना के उसके ऊपर बॉलीवुड म्यूज़िक की बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है और ये मेरी पसंद है। इसी तरह से आपकी भी कोई पसंद होगी, हो सकता है आपको कव्वालियाँ गाना कव्वालियाँ सुनना बहुत पसंद हो, बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, आपको फोक म्यूज़िक बहुत पसंद हो, आपको बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत पसंद हो। इसलिए अपने आप को डेवलप करो, अपने अंदर का जो है आप में जो जुनून है उसको खोजो कि आपको क्या पसंद है। ऐसा ना हो कि आप धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हाल हो जाए, मतलब कि गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना दास, मतलब जो म्यूजिक सुना उसी का हो लिए, ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी इंसान हर एक प्रोफेशन में हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ में कमियां हैं। जब आप मास्टर्स करते हो बैचलर, जब आप टेंथ में होते हो, टेंथ में आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास बर्डन होता है यार ये भी पढ़ूँ ये भी पढ़ूँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। उसके बाद आप आते हो प्लस टू में, प्लस टू में आप एक स्ट्रीम चूज़ करते हो कि मैंने भाई ये करना है, आपने नॉन मेडिकल चूज़ किया, उसमें भी आपके तीन सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद आप जाते हो मास्टर्स में, आप एक चीज़ की मास्टरी करते हो, लाइफ में हमेशा एक ही चीज़ की मास्टरी हो सकती है, दुनिया भर की हर एक चीज़ की मास्टरी नहीं हो सकती। अगर आप कहें मैं इंजीनियर बन जूँ, मैं ही डॉक्टर बन जूँ, तो मैं ही साइंटिस्ट बन जूँ, तो फिर दुनिया के बाकी लोग क्या करेंगे। यही चीज़ म्यूज़िक में इम्प्लीमेंट होती है कि आप म्यूज़िक का हर एक स्ट्रीम को ग्रैप नहीं कर सकते, आपके बस किसी के बस का नहीं है, वो विरला ही कोई है जो पुराने समय के हैं जो गायक, जिन्होंने जिंदगी जिंदगी भर मेहनत की है, पूरी पूरी उम्र साधना की है उन्होंने संगीत की, फिर जाके वो ऑलराउंडर हो पाते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो अक्सर मुझे कहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसे ताने गाऊँ, उनकी तरह कव्वाली गाऊँ, और मैं दूसरी तरफ ये भी चाहता हूँ कि मैं गज़लें भी गाऊँ और कुछ ऐसा सिखाओ कि मैं सोनू निगम जी की तरह मेरी वॉइस जो है वो सूदिंग हो जाए, एकदम सुकून वाली वॉइस हो जाए। तो भैया ये पॉसिबल है, ज़रा खुद सोच के देखो। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बड़े बड़े कलाकार करने को कुछ भी कर सकते हैं, पर उनकी एक रेंज होती है, उनकी भी एक मर्यादा होती है। अब सोनू निगम जी, उनको आपने कभी मतलब कव्वाली गाते सुना है, मतलब वो रेंज आपने हालांकि उनकी, मैं उनकी कोई भी वो नहीं कर रहा, हो सकता उन्होंने गाई हो, बट उनका वो जोनर नहीं है। जिस चीज़ जिस इंसान का वो जोनर ही नहीं है, वो उसको कैसे ग्रैप करेगा। अब जिस बंदे का सुर ही दूसरा काला है या पहला काला है या तीसरा सफ़ेद है, तो वो मतलब पांचवें काले से कैसे गा लेगा, ये कैसे पॉसिबल है भैया। तो यही चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है कि आप खुद को पहचानो कि आपने क्या करना है और एक ही चीज़ में मास्टरी करो। अगर आप चाहोगे कि मैं मास्टर सलीम की तरह बन जाऊं, ऊंचा ऊंचा गाऊं, बन सकते हो, उतनी मेहनत करो ज़रूर करोगे। और दूसरी तरफ आप चाहो कि मेरे अंदर वॉइस में सुकूनियत आ जाए सोनू निगम जी की तरह, तो भैया सब चीज़ें एक साथ तो नहीं होनी, हो सकती हैं, दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है, बट आपको अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, अथाह। आप सोच भी नहीं सकते आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप करने को तैयार हैं, अगर आप में इतने गट्स हैं, इतना डेडिकेशन है, तो ज़रूर कीजिए। मुझे खुशी होगी ये चीज़ देख के कि मेरी बात को भी किसी ने गलत साबित करके दिखाया है, मुझे भी ये चीज़ पता चलेगा। तो आज का टॉपिक यही था कि आपको किस जोनर को आपको ग्रैब करना है, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को पहचानो कि आपको क्या पसंद है, क्या गाना पसंद है, कौन से गाने आप सुनते हो, क्या सुनते हो, तो आप उसी चीज़ को
मास्टर्स करो और अपने आप को दिनों दिन निखारते जाओ। अच्छा, अगर आप अपने जोन में अब परफेक्ट हो जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने अभी एक टिकटॉक पे एक वीडियो डाली है आज ही कि एक सॉन्ग है, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि उसमें सरगम ऐड हो सकती है, तो वो मैंने उसमें सरगम ऐड करने का ट्राई किया है और वो अच्छी भी लग रही है, सबको पसंद भी आई है, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। आइए वो देखते हैं वीडियो। निर्णि सा 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 निर्णि रे 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 निर्णि गा 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 पम ग रे सा सा रे ग रे ग म ग म प द प प द प सा रे ग रे ग म ग म पानी नि नि ध प म ब पानी नि नि मानी नि नि पानी नि नि ध प म ब प पम ग रे सा पम ग रे सा पम ग रे सा फिर तरंग दैवदय मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डसती है तन्हाइयाँ। तो मेरा आज का कहना यही था कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन से गुण हैं आप में, आप उसको कैसे निखार सकते हो, आप अपना जोनर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ आई है, पसंद आई है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी अगर किसी के मन में डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कीजिए @www.facebook.com/thehmmusic, www.instagram.com/thehmmusic एंड www.tiktok.com/thehmmusic। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।